जब मिलते हैं कि नई डिश के साथ आपके साथ आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता। और इससे मैं तासीर कर रहा था आपने कैसे इसको बनाना है। ये तासीर के हिसाब से बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में लोग बड़े शौक से ये खाते हैं और ये गर्मियों की सब्जी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको सबसे पहले हम छिलके उतार के इसको कद्दूकस कर लेंगे, फिर हम बॉईल करके फिर इसको दही में डालेंगे। मैं सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसको इसका छिलका रगड़ के उतार लेंगे। इसका मोटा छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप हल्का सा भी रगड़ेंगे तो इसका छिलका नरम होता है और फौरन उतर जाता है। तो मैंने इसको बिल्कुल छील लिया, साफ़ कर लिया, इसको धो के मैं इसके सर को रगड़ूंगी। अब ये तकरीबन ये इनके छिलके बचे हैं, ये मैंने छोड़ दिए हैं, इनको मैं बास्केट में फेंकूंगी। और ये तकरीबन मैंने इनको, ये देखिए ये शक्ल में आ गई हैं, अब मैंने इनको रगड़ लिया। अब इनको मैं पैन में डाल के पानी डाल के बॉईल करूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। और फिर मैं पानी से निट करके ड्रेन इनका, इनको हाथों से खुश्क करके फिर मैं दही में डाल दूंगी। ये तकरीबन थोड़ी देर में बॉईल होना शुरू हो जाएगा और 15 से 20 मिनट हम बॉईल करेंगे, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। कद्दू देखने बिल्कुल उबलना शुरू हो गया है, अब 15 से 20 मिनट ये और उबल जाए फिर मैं इसको दही में शामिल करती हूँ। ये तकरीबन एक पाव का मिल्क पैक का पैकेट है दही का, ये मैं इसमें डालूँगी रायते के लिए। और आधा पैकेट ये तकरीबन डेढ़ पैकेट मैंने इसका डालूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा दूध ताकि ये अच्छा सॉफ्ट हो जाए। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, ये जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जाएंगे ये मसाले, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हमने डालने। ये तकरीबन एक टीस्पून, आधी टीस्पून है काली मिर्च, एक टीस्पून है खुश्क धनिया, एक टीस्पून है सुर्ख मिर्च और एक टीस्पून है तकरीबन नमक, ये इसमें जाएगा। और तकरीबन एक टीस्पून में इसमें डालूंगी चाट मसाला। ये एक टीस्पून चलेगी चाट मसाला। चाट मसाले की रेसिपी भी मैं किसी दिन आपको दूंगी कि घर का चाट मसाला जो है ना उसका मज़ा ही अच्छा हो रहा है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में आप सालन के साथ रायता बनाएं तो खाना खाने का मज़ा आ जाता है। जैसे भिंडियां बनाएं या करेले बनाएं उनके साथ आप ये रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। के किनारे साफ कर दूंगी। अब कद्दू उबल जाए फिर उसका पानी निकाल के मैं इस दही में शामिल कर लूंगी। अब ये कद्दू बिल्कुल उबल गया है, नरम हो गया है, अब मैं इसको इसमें स्ट्रेन कर लूंगी और इसको तकरीबन मैं ठंडा होने दूंगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी ठंडा पानी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म हम दही में नहीं डाल सकते। अब कद्दू तकरीबन बिल्कुल ठंडा हो गया, अब इसको मैं हथेली में डाल के दबा दबा के इसका पानी निकाल लूँगी। पानी निकाल के मैं इसको दही में डाल दूँगी। इसका पानी अच्छी तरह निकाल लें और फिर इसको दही में डाल दें। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। ऐसा मिक्स कर लें। ये रायता बिल्कुल तैयार है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा धनिया। अब ये रायता देखिए बिल्कुल बन के पक के तैयार है। अब इसको सालन के साथ है, दाल माश के साथ है,
भिंडियों के साथ, करेलों के साथ आप बना सकते हैं। गर्मियों की ये खास सौगात है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और कद्दू वैसे ही खाना सुन्नत है, तो आप इसको खाएं और इंजॉय करें। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसा बना है, और इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत मज़ा देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नई किसी डिश के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। I'm not the only one.